Welcome back to your students. Let's continue our chapter 4 of English Literature, DAV class 7th. We have done that when Manjula asked for the drawing sheets, special watercolor drawing sheets from her mother, and she talked to her father, there was an argument between them. Manjula heard their conversation, she felt very bad. Okay, and finally, what she decided? She decided to stop painting. But when her brother heard of this, that Manjula moved towards cooking instead of painting, he got shocked. He wanted her to continue her painting because he was irritated. But finally, he knew somewhere that yes, she is a good painter. But when he talked to his parents also, no one replied. So let's see what happened next. वेन मंजुलाज फादर टॉक्ट अबाउट बॉम्बे इज मीटिंग मंजुला थाट इन अ ड्रीम वर्ल्ड दैटे इज़ बॉम्बे इज अ ड्रीम सिटी इफ शी विल गो देर नो वन विल टॉक ऑफ हर डीफॉर्म्ड हैंड्स और फीट एंड नो वन विल शो दी टी टू वर्ड्स हर पी टी होते हैं दया कोई उसके लिए दया नहीं दिखाएगा फिर देर वॉज एन आर्ट कॉलेज आर्ट कॉलेज इन बॉम्बे तो मंजुला को लगा कि वहाँ पर अगर मैं वहाँ जाती हूँ वहाँ पर एडमिशन लूँगी तो मैं कितना कुछ सीख सकती हूँ पर यह सब सिर्फ उसके माइंड में चल रहा था एंड उसको पता था कि कहीं ना कहीं ये सब सिर्फ सपना है ओके इट कांट कम ट्रू ये सच नहीं हो सकता तभी जो है उसको उसकी मदर की आवाज़ आई एंड शी सेड कि मंजू विल यू गिव मी हैंड विल यू गिव मी यू गिव मी हैंड मीन्स शी इज़ आस्किंग देयर फॉर मंजूज हेल्प शी सेड मंजू विल यू प्लीज हेल्प मी मंजू ने हेल्प य मदर टेक डाउन द स्टील ट्रंक उन्होंने ऊपर से कोई बॉक्स उतारा शी ओपन इट एंड शट इट अगेन शट मीन्स क्लोज उन्होंने उस ट्रंक को ओपन किया और फिर क्लोज कर दिया इट वॉज जस्ट एन एक्सक्यूज़ मंजू मंजू की मदर को मिसेज पारेलकर को उस ट्रंक में कुछ नहीं करना था शी जस्ट वॉन्टेड टू टॉक टू मंजू एंडट्स वाई शी कॉल्ड हर तो उन्होंने फाइनली उस ट्रंक को क्लोज़ किया शट किया एंड शी टर्न टू वर्ड्स मंजू एंड सेट मंजू आई वुड लाइक टू टॉक टू यू लेकिन मंजूला ने अपनी मदर की बात बीच में काटते हुए कहा कि मॉम प्लीज़ डोंट डोंट कह के वो उसकी अब उसकी मदर ने उसके बाद बीच में काटी शी सेड बट मंजू बट अगेन मंजुला सेड प्लीज मदर प्लीज़ अब बेटा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है आप देखेंगे देर आर सम डॉट्स एट द एंड ऑफ दिस कानवर्सेशन्स दिस डॉट्स शो दैट वट एवर द पर्सन इज सेंग इट्स नॉट कम्प्लीट कि वो पर्सन जो भी बात कहना चाहता है या जो भी बात वो कह रहा था वो कंप्लीट नहीं हुई वो बीच में काट दी या वो खुद बीच में अपनी बात बोलते बोलते रुक गया ठीक है तो यहाँ पर मंजू ने अपनी मदर की बात काटी उसने बोला कि मॉम प्लीज़ डोंट डोंट से आगे मंजू कुछ कहती तो उसकी मदर ने उसकी बात काट दी उन्होंने बोला लेकिन मंजू अब वो आगे कुछ है मंजू ने फिर कहा कि प्लीज़ मॉम प्लीज़ कि मम्मा प्लीज़ आई डोंट वांट टू टॉक देन मिसेस पारेल का ग्रिप्ड हर डॉटर ग्रिप्ड होता है पकड़ना टाइटली उन्होंने अपनी मदर के सॉरी डॉटर को शोल्डर से पकड़ा ये बेटा उनका एक एक्सप्रेशन था टू शो हर कॉन्फिडेंस इन मंजू हर वॉइस फॉर्म विद डिटर्मिनेशन उन्होंने अपने मन में एक ठाना कि येस आई वॉन्ट आई हैव टू मोटिवेट माई डॉटर नाउ वॉट ही सेंग टू मंजू उन्होंने पूरे दृढ़ निश्चय के साथ अपनी बेटी को कहा डोंट गिव इन मंजू डोंट गिव इन हार ना मानना उन्होंने बोला मंजू तुम्हें हार नहीं माननी देर इज सो मच इन यू दैट अदर गर्ल्स डोंट हैव लेट इट कम अप इवन इफ यू हैव टू फाइट फाइट मंजू फाइट शी सेट कि तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है ऐसा टैलेंट है जो शायद नॉर्मल गर्ल्स में नहीं है ओके okay. तो वो कह रही है कि यू हैव टू फाइट टू ओवरकम योर प्रॉब्लम्स कह रही है कि तुम्हें अपने उस टैलेंट को या जो भी तुम्हारे अंदर काबिलियत है उसको बाहर तुम्हें निकालना होगा एंड यू हैव टू फाइट फॉर इट नो डाउट हम जब भी लाइफ में कुछ करने के बारे में सोचते हैं बेटा तो हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एंड वी हैव टू फेस दोज प्रॉब्लम्स वी हैव टू ओवरकम ओवरकम होता है overcome. Overcome उन प्रॉब्लम्स के पार निकलना उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना वी हैव टू ओवरकम दोज़ प्रॉब्लम्स एंड वही वो अपनी बेटे को समझा रहे हैं कि फ़ाइट मंजू फाइट अब फाइट किससे क्या पापा से जाके वो लड़ाई करेगी नो no. क्या अपने भाई से लड़ाई करेगी या कोई और जो उसके इस टैलेंट को बंद करने के लिए बोलेगा क्या उससे लड़ाई करनी है नहीं लड़ाई करनी है रुकावटों से प्रॉब्लम से जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करना है कोई काम एक तरीके से नहीं हो रहा तो उस काम को दूसरे तरीके से करने की कोशिश करनी है ठीक है वी हैव टू फाइट टू फुलफिल आवर एम वी हैव टू फाइट टू फुलफ़िल आवर मोटिव दैट्स वॉट शी इज सेग टू हर डॉटर मंजर्स थ्रोट वर्स थिक विथ टीयर्स शी टर्न अवे फ्राम हर मदर अब फर्स्ट लाइन का मीनिंग बेटा ध्यान से समझेंगे Throat was thick with tears. कभी कभी ऐसा होता है कि we get so emotional that we are not able to speak anything. हम कुछ बोल नहीं पाते हमारा गला एकदम भर आता है हमारी आंखों से आंसू तो नहीं गिरते पर हम इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं इंटरनली कि हमें लगता है कि हम कुछ बोलेंगे तो रो पड़ेंगे और हमारी आँखों से आँसू निकल आएंगे एंड उस सिचुएशन में हम लोग चुप रहना ज़्यादा पसंद करते हैं सेम वज द सिचुएशन ऑफ मंजू शी टर्न अवे फ्रॉम आई मदर बट उसके मम्मा ने कहा कि मंजू लुक एट मी बड़े प्यार से उन्होंने कहा अब वो उसको समझा रही हैं यू हैव टू लर्न टू मास्टर ऑब्स्टेकल्स ऑब्स्टेकल्स ऑबस्टेकल्स मीन्स अगेन रुकावटें मास्टर मास्टर बनना है मास्टर कौन होता है जो किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकता है तो कह रही कि तुम्हें अपनी ऑब्स्टेकल्स तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स को मास्टर करना है वो प्रॉब्लम तुम्हारे सामने प्रॉब्लम बन के नहीं रहनी चाहिए तुमने उनको सॉल्व करना है उनसे ऊपर रहना है उनसे आगे बढ़ना है द विल एंड द स्ट्रेंथ अब इस काम को करने के लिए जो स्ट्रांग विल पावर चाहिए यानी जो दृढ़ निश्चय चाहिए जो स्ट्रेंथ चाहिए यानी जो हिम्मत चाहिए वो कहाँ है वो तुम्हारे अंदर है तुम्हें अपने उस दृढ़ निश्चय को अपनी उस हिम्मत को पहचानना होगा मंजुला टर्न अराउंड इन एंग्विश अब मंजुला क्या हुई एंग्विश मतलब गुस्सा वो गुस्से में अपनी मदर की तरफ पलटी और बेटा जब हमारे साथ हम कभी कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं ना तो हमें सबकी बातें ऐसे लगते हैं कि जस्ट दिखावा कर रहे हैं हमें अगर कोई हमें समझाने की कोशिश भी करता है कुछ अच्छा बताने की कोशिश करता है तो हमें लगता है कि सर सब सिर्फ हमें उपदेश दे रहे हैं एंड सेम द सिचुएशन ऑफ मंजुला और वही उसने अपनी मदर को उस समय गुस्से में कहा कि Mom, प्लीज़ स्टॉप प्रीचिंग प्रीचिंग उपदेश देना कि आप प्लीज़ ये उपदेश देना बंद करो ठीक है दैट शी सेट टू हर मदर इट्स ऑल पापाज़ फॉल्ट शी वॉन्टेड टू से वो अंदर से उसके मन में क्या फीलिंग थी उसको गुस्सा किसके ऊपर आ रहा था पापा के ऊपर फादर के ऊपर कौन सी बात पर जो उन्होंने उसके हैंड्स के ऊपर कमेंट किया था ठीक है तो वो अंदर से ये कहना चाहती थी ज़ोर से गुस्से में कि सब पापा की गलती है लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा डीप इंसाइट शी न्यू इट वॉज इंट क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता था कि पापा की बात का मतलब कुछ और था पर उस समय क्योंकि वो गुस्से में थी तो उसके अंदर ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी शी डैश टू हर रूम फ्लंग हर सेल्फ ऑन हर बेड एंड बर्ड हर फेस इन अ पिलो वो अपने बेड पे गई वहाँ पे पिलो के नीचे अपना फेस दबा के शी स्टार्टेड टू क्राई ऑल ऑफ अ सडन अब उसकी नज़र पड़ी एक न्यूज़पेपर कटिंग पर जो उसके रूम में उसके टेबल पर रखा था स्ट्रेंच शी था आई डॉन्ट कीप इट है तो बोला कि यह कटिंग मैंने तो नहीं रखी पजल्ड पजल्ट मीन्स कन्फ्यूज शिप एग इट अप एंड रीड तभी उसने उस कटिंग को उठाया उसने सोचा मैंने तो रखी नहीं चलो फिर भी शिप एक्टिट अप एंड शी स्टार्टेड टू रीड इट और उसमें क्या लिखा था प्लेइंग सॉकर विद आर्टिफिशियल फीट सॉकर होता है बेटा फुटबॉल हमारा जो फुटबॉल गेम होता है ना उसी को हम सॉकर भी बोलते हैं ओके okay? तो प्लेइंग सॉकर विद आर्टिफिशियल फीट अब सोचो फुटबॉल है तो पैर से ही खेलेंगे और कैसे पैर से खेल रहा है आर्टिफिशियल यानी पैर असली नहीं है नकली पैर है द बोल्ड हेडिंग स्ट्रीम डेट हर वो बोल्ड हेडिंग पढ़ते उसका माइंड एकदम जो है कुछ डिफरेंट वे में सोचने लगा शी रेड ऑन रिच बेलां वो हेड लॉस्ट हिज फीट अब उसमें एक आर्टिकल लिखा था एक ऐसे प्लेयर के बारे में जिसका एक्सीडेंट ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था और उसमें उसका एक पैर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था बट ही स्टिल डिसाइडेड टू प्ले फ़ुटबॉल विद आर्टिफिशियल फीट नकली पैर लगवाया आफ्टर द ऑपरेशन और उसने डिसाइड किया कि मैं फुटबॉल ज़रूर खेलूँगा उस समय कोई उसके साथ नहीं था उसके कोच ने भी कहा जो उनको ट्रेनिंग देते थे उसने भी कहा कि आर यू मैड तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है पैर तुम्हारा नकली है और तुम उस नकली पैर के साथ हाउ वुड इट बी पॉसिबल टू प्ले फुटबॉल इवन पेरेंट्स डिड नॉट लाइक इट और आप यहाँ पे दिखें देखेंगे यहाँ लिखा है हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक इट दिस सेंटेंस वॉज अंडरलाइन इन रेड अब जो ये वाला सेंटेंस था कि उसके पेरेंट्स को भी ये बात वो इसके फेवर में नहीं थे इस सेंटेंस को उस आर्टिकल ने रेड कलर से अंडरलाइन किया हुआ था अब सोचो क्यों तो कहीं ना कहीं देखो उसको मंजुला से रिलेट करो तो मंजुला के पेरेंट्स भी मदर नहीं तो फादर से ही वो भी उसके फेवर में नहीं है इस सिचुएशन में एट प्रेजेंट उसके फादर उसके फेवर में नहीं है बट वही सिचुएशन रिच बेलानगर की भी थी पर फिर भी ही ओवरकम हिज ही ओवरकेम हिज़ प्रॉब्लम्स एंड फाइनली बट बेलोंगर स्टक टू इट बेलॉगर ने अपना फैसला नहीं छोड़ा उसने डिसाइड किया था मैंने फुटबॉल खेलनी है तो खेलनी है ही स्टक टू इट एंड मेड इट टू दशाओ टीम एज द डिफेंस एंड फाइनली जो है उसको फुटबॉल टीम में लिया गया और वहाँ पर वो एज अ डिफेंसिवेंट उसने वहाँ पर एज अ प्लेयर प्ले किया ही फुलफिल ऑल हिज ड्रीम्स मंजुला पारेलकर ड्रॉप द क्लिपिंग मंजुला पारेलकर ने वो आटेकल नीचे रखा और उसके माइंड में अब क्या रहा है वाट अ ब्रेव बॉय कहा वो तो बड़ा बहादुर है पैर कट गया नकली पैर लगा उसके बाद भी उसने अपने हौसला नहीं छोड़ा हिडरेंट गिव अप अपड्रेंड गिव अप मतलब उसने हौसला नहीं हारा हिडरेंट गिव अप ही प्लेड ऑन वो खेला उसके सामने जितनी मुसीबतें आई कोच ने कहा नहीं खेल सकता पेरेंट्स को पसंद नहीं था पर फिर भी उसने किया क्योंकि वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा था ना वो किसी को धोखा नहीं दे रहा था अच्छा काम था तो उसने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया मंजुला वॉकड ओवर टू हर कबर्ड अब मंजुला भी उठी अपने कबर तक गई वहाँ से अपना सारा पेंटिंग पेंटिंग उसने वहाँ से निकाला एंड शी रैन थम्ब ओवर द सॉफ्ट ब्रशेस एंड टू द लॉन्गिंग टू पेंट और फिर उसने अपने ब्रशेस को बड़े ध्यान से देखा उसने क्या सोचा माइंड में यस आई विल ऑल्सो डू इट सी उसने अपने उस सारे पेंटिंग के मटेरियल को देखा एंड स्मेल कलर्स एंड ड्रॉफ टीयर्स इन टू हर आईज और ऐसा कुछ सोचते हुए वो दोबारा अपने कलरफुल ड्रीम्स में या ड्रीम वर्ल्ड में शी लॉस एंड टीयर्स स्टार्टेड टू फ्लो डाउन फ्राम हर आईज आंसू जो है उसके निकल पड़े ऑन द डे ऑफ द ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन अब अमोल ने एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन की बात की थी तो पेंटिंग कॉम्पिटिशन का दिन आ गया शॉर्टली आफ्टर ब्रेकफास्ट हर ब्रदर सेड आई एम ऑफ अब सुबह सुबह ब्रेकफास्ट किया वो अपनी मदर को बोल रहा है कि मम्मा आई एम गोइंग आई एम हेल्पिंग एट द सॉरी मिस्टर रतन एंड आई हेल्पिंग एट द एंट्रेंस गेट अब स्कूल में कॉम्पिटिशन था तो बच्चों की भी ड्यूटी लगी थी जैसे आप लोगों की भी लगती है दे आर एक्सपेक्टिंग अ बिग क्राउड उनको था कि स्कूल में जो कॉम्पिटिशन है इट वॉज़ एन ओपन कॉम्पिटिशन सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए नहीं कोई भी जो है उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकता था तभी उसने अपनी बहन को भी ऑफर किया था तो उसने बोला कि बहुत सारे लोग आने वाले हैं और मुझे स्कूल पहुँचना है अब वो अपनी बहन की तरफ मुड़ के देखो क्या बोल रहे टर्निंग टू मंजुला ही सेट कैशली पी यू यू आर कमिंग आई एम श्योर यू वुड हैव वन अ प्राइज़ बोल रहे ओफ पी टी मैंने आपको बताया था होता है दया वो कह रहा है कि मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ रही है तुम तो आ नहीं रही हो पर मुझे पूरा विश्वास था कि अगर तुम आती तो तुम कोई ना कोई प्राइज ज़रूर ले जाती अब मंजुला ने क्या रिप्लाई दिया आई माइट विन वन स्टिल वो बोल रही कि मैं अभी भी एक प्राइज़ तो ज़रूर जीत सकती हूँ इट विल डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट इन माई कैटेगरी बोल रहे कि डिपेंड करता है कि मुझे टॉपिक क्या मिलेगा उस टॉपिक पे डिपेंड करता है कि अगर अब टॉपिक पे कैसे डिपेंड करता है बेटा सपोज कोई ऐसा टॉपिक मिल गया जिसके बारे में मंजिला को नॉलेज है तो उसके ऊपर बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकती है पर कोई टॉपिक ऐसा मिल गया जो जिसके बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं है तो हो सकता है कि वो उतना अच्छी अपनी रिप्रेजेंटेशन ना दे पाए जितनी अच्छी वो दे सकती है तो दैट्स वाई शी सेट की डिपेंड्स अपॉन माई सब्जेक्ट अब इस बात का क्या मतलब हुआ क्या मंजूला पार्टिसिपेट करेगी लेट्स सी आफ्टर हियरिंग दिस योर कैटेगरी क्राइड अमोल अमोल एकदम जोर से चला है कैटेगरी डज दैट मीन यू आर पार्टिसिपेटिंग इसका मतलब तुम पार्टिसिपेट कर रही हो तुम पक्का पार्टिसिपेट करोगी हे जम डब वो खुशी में चिल्ला उठा एंड पम्प देंड्स अप एंड डाउन तो वो खुशी में अपने हाथों को ऊपर नीचे उछालता हुआ और ही शी सेड आई न्यू यू वुड डू इट मुझे पता था तुम जरूर करोगे और तुम्हें हिम्मत हारने भी नहीं चाहिए मंजुला फ्रीड हर हैंड्स एंड आंसर सॉफ्टली मंजुला ने जो है वो अपनी बहन के हाथ पकड़ के ऊपर नीचे कर रहा था ना उसके साथ उसने जंप करना शुरू कर दिया था तो मंजुला ने अपने हाथों से छुड़वाया और आराम से कहा इफ़ रिच पेल आगर डू इट वाई नॉट मंजुला पारेल को शी सेड अगर रिच पेल कर सकता है तो मंजुला पारेलकर क्यों नहीं कर सकती हर ब्रदर लुक डेट हर अ ब्रॉड स्माइल स्प्रेड ओवर हिज फेस ये बात सुन के उसके भाई ने उसकी तरफ़ देखा और वो बहुत खुश हुआ रिच पेलंगर मिस पारेलकर आस्ट सरप्राइज हु इज रिच बेलंगर उसके मदर ने बोला रिच बेलंगर कौन है रिच बेलांगर स्पोक मंजुला एंड हॉर ब्रदर टुगेदर दोनों ने दोनों कौन मंजुला और अमोल दोनों ने एक साथ जवाब दिया He plays soccer with artificial feet. Isn't that something? Usne nakli pair ke bhi football khela. Sucho, kitni badi baat hai. here our chapter is finished. So see, we have learned that how we can overcome our problem. Anyone can motivate us. Anything can motivate us in our life. And we can do wonders. Anyone can do wonders. Fine. So here we can achieve what we have learned from the chapter. We have learned that we can achieve anything with our strong willpower and determination. I hope the story is clear to you all. But now I am leaving a question for you: that who left that newspaper cutting? the rich newspaper cutting. Who left that cutting on Manjula's? Uh, table in her room. Just think of it and answer me. Have a good day.